एलन रीव मास्क कहानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की। एलन मास्क एक ऐसा नाम है जो अपने जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी के लिए पहचाने जाते हैं, जिनकी बिजनेस मॉडल को भी पूरी दुनिया सराहती है। 7 जनवरी 2021 के आसपास मास्क की कंपनी ने शेयर की कीमतों में एक बड़ा उछाल देखा था, जिसके बाद एलन मास्क दुनिया भर में कुल संपत्ति के मामले में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। स्पेसएक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मास्क इस पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति $185 बिलियन के पार पहुंच गई है। 2017 से 7 जनवरी 2021 तक इस जगह पर पहले अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस थे, लेकिन एलन मास्क ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। आज के समय में एलन मास्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। मास्क की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला ने इस साल अपनी मार्केट वैल्यू में काफी वृद्धि की है। एलन मास्क की कंपनी टेस्ला पहली बार $700 बिलियन तक पहुंच गई है, जो कार कंपनी टोयोटा, वॉक्सवैगन, ह्युंडई, जीएम और फोर्ड की कुल मार्केट वैल्यू से भी अधिक है। चलिए जानते हैं आम आदमी से लेकर दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनने के इस सफर में एलन मास्क के व्यक्तित्व में कितना उतार चढ़ाव आया। आखिर इनमें ऐसी क्या खासियत है जो इन्हें इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने में सफल हुई। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की रैंकिंग में 500 सबसे अमीर आदमियों को पछाड़ते हुए एलन मास्क ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ इतिहास रचा। एलन मास्क की कुल संपत्ति में $150 बिलियन से अधिक की बढ़त हुई। टेस्ला कंपनी के शेयर की कीमत में पिछले साल के मुकाबले 743% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अमेज़न के प्रमुख जेफ बेजोस की कुल संपत्ति $188.5 बिलियन थी, जो बेजोस की संपत्ति के मुकाबले $1.5 बिलियन अधिक थी। लेकिन अब एलन मास्क बेजोस से आगे हो गए हैं। एलन मास्क से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में 1971 में जन्म लेने वाले एलन मास्क 17 साल की उम्र में कनाडा जाकर बस गए। मास्क के बाद दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका की नागरिकता है। एलन मास्क ने 8 कंपनियों की स्थापना की है, इनमें टेस्ला, स्पेसएक्स, हाइपरलूप, ओपनएल, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, ज़िप2 और पेपल शामिल हैं। बचपन से ही एलन मास्क का टेक्नोलॉजी में काफी रुझान था। कहा तो ये भी जाता है कि मास्क ने महज 9 साल की उम्र में ही पूरा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कंप्यूटर कोडिंग भी खुद ही सीख ली थी। 12 साल की उम्र में एलन मास्क ने एक वीडियो गेम बनाया था जिसका नाम ब्लास्टर था। इस वीडियो गेम को उन्होंने $500 में एक कंपनी को बेच दिया। 15 साल की उम्र में मास्क ने मार्शल आर्ट और रेसलिंग सीखी। कहा जाता है कि मास्क जब छोटे थे तब उनके स्कूल के बच्चे उन्हें बहुत परेशान करते थे। एक बार तो उनके स्कूल के साथियों ने उन्हें इतना पीटा कि मास्क को हॉस्पिटल तक ले जाया गया। इस घटना से सबक लेकर उन्हें जूडो, कराटे और कुश्ती के पेच सीखे। कहा जाता है कि मार्वल का फेमस कैरेक्टर आयरन मैन एलन मास्क के व्यक्तित्व पर ही आधारित है। मास्क ने आयरन मैन 2 में एक कैमियो भी किया था। इसके अलावा मास्क ने कई टीवी शोज जैसे द सिम्पसंस, बिग बैंग थ्योरी और साउथ पार्क में भी दिखाई दिए हैं। एलन मास्क ने यूपेन से ग्रेजुएशन किया और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में PhD के लिए एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिन बाद ही वो वहां से निकल आए और ज़िप2 कॉरपोरेशन लॉन्च किया। मास्क ने 1999 में पहली कार मैक्लारेन F1 खरीदी थी, लेकिन इस कार का खर्च मास्क उठा ना पाए, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कार को बेचना पड़ा। मास्क को किताब पढ़ने का शौक है। कहा जाता है कि जब वो कॉलेज में थे तो वो अपने एक दिन के खाने पर $1 से भी कम खर्च करते थे। एलन मास्क रॉकेट बनाने वाले कंपनी स्पेसएक्स के मालिक और सीईओ हैं, लेकिन वहां से उन्हें वेतन नहीं मिलता है। मास्क ने एक बार बहुत ही खराब रिजल्ट के चलते टेस्ला को बेचने का फैसला किया था, लेकिन फिर कुछ वजहों से बेचने का निर्णय छोड़ दिया। आज देखिए टेस्ला कहां पहुंच गई है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।